ईसाई मिशनरियों के कारण सिमडेगा में संजू प्रधान के मॉब लिंचिंग में हुई हत्या, ये आरोप संजू प्रधान के परिजनों ने लगाया है। मुखर संवाद से एक बातचीत के दौरान परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। राज्य में ईसाई का धर्म परिवर्तन का बीड़ा उठाया है और किस तरह से ईसाई मिशनरियां अपने धर्म परिवर्तन कराने के मुद्दे पर लगातार सक्रिय हैं, ऐसे में एक घटना मॉब लिंचिंग की हुई है सिमडेगा जिले के कोलेबीरा विधानसभा क्षेत्र में। इस समय संजू प्रधान के जो लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं उनके परिजन हमारे साथ हैं। क्या हुआ था उस दिन, आखिर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या हुआ था? जो इस मिशनरी लोग था, जो ईसाई मिशनरी लोग आके संजू प्रधान को ज़बरदस्ती खींच के ले गया, उसको एकदम सीधे मार के जिंदा जला दिया, यही हुआ है। और उसमें जो सो हम लोग गोगस्सी का जो होता है बराबर बाजार में बेचता है, उसको ये लोग रोक टोक करता था संजू प्रधान, इसी को लेके ये मरा है। और ये जो खुटकट्टी का लकड़ी तकड़ी का ये झूठ मूठ का ये लोग केस बनाया है। मिशनरिया क्या उस इलाके में व्यापक रूप से प्रभावित है? हाँ, काफ़ी लोग है, ईसाई लोग बहुत ज़्यादा है। और वहाँ का विधायक और दोनों भी विधायक सिमडेगा और कोलेबीरा विधायक भी वो लोग ईसाई मिशनरी का ही है। उन लोगों की इन्वॉल्व भी है क्या इस घटना? हाँ, उसमें एकदम पूरा इन्वॉल्व है, वही लोग बहकावा दिया है ये लोग को 28 तारीख को बैठक करके। क्या हुआ था बैठक में? बैठक में ही खुटकट्टी का जब लकड़ी काटता है ये है वो है कह के इसको फंसाया गया, झूठ मूठ का फंसाया गया। क्या हुआ है उस दिन, पूरा प्रकरण क्या? उस दिन हम लोग तो कोलेबीरा में थे, हम लोग को जानकारी हुई कि संजू प्रधान को आग के हवाले कर दिया गया। हम फोन किया उस टाइम, हमको जानकारी हुई तब हम जाके उस दिन नहीं गए, दूसर सुबह में गए। अच्छा, क्या हुआ था? उनकी बहन हमारे साथ हैं, क्या हुआ था उस दिन और कैसे मारा संजू प्रधान? बोल रहा था मेरा बहन, छोटी बहन मेहमान गया था, वो फोन करके बोला कि दीदी ऐसा जीजाजी को मार को आग लगा दिया है, जल्दी आइए बोला। तो मेरे को समझ में नहीं आया ठीक है कि क्या है, मेरे को भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते मैं किसी का गाड़ी लेके गया और देखा तो मेरे जाने से पहले ही लाश को उठा कर लेके गया था। तो मैं ठीक है बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं पूछ रहा हूँ, तो बाद में बोल रहा था समझ गया नहीं है, देखना चाह रहे हैं। तो उसका मम्मी बोला कि नहीं, मेरे आने से पहले ही दफना दिया था जिंदा ही, पूरा लकड़ी उकड़ी डाल को उसको जिंदा जला दिया था। आखिर क्यों हुई ये घटना, क्यों हुई? घटना होने का सबसे मुख्य कारण वहाँ है जो गौ हत्या और गौ मांस की जो खुलेआम वहाँ बिक्री होती है, यही मुख्य वजह है। और इस घटना को कराने के लिए वहाँ के स्थानीय विधायक नमन विक्ठल कुंगाड़ी पूरी तरह से 100% जिम्मेवार है, क्योंकि 28 दिसंबर को वो बंबल के रहा गाँव जिस ग्राम के 500 लोग मिलकर जो संजू प्रधान का हत्या किया गया है उसमें पूरी तरह से मिशनरी लोग जो बंबल के रहा ग्राम है वहाँ के लोग थे। और बंबल के रहा ग्राम में ही 28 दिसंबर को नमन विक्ठल कुंगाड़ी स्थानीय विधायक कोलेबीरा के वो जाके वहाँ खुटकटी के विषय को लेकर भड़काऊ भाषण दिए और उसके बाद 4 तारीख को ये घटना घटी है। वहाँ हिंदुओं का जीना क्या वाकई में दूभर है सिमडेगा के इलाके में जो क्रिश्चियन मिशनरियों का इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के इस जो अभी झारखंड में जो सरकार है उस सरकार में वहाँ के हिंदुओं को उस एरिया में विशेषकर सिमडेगा जिला में हिंदुओं को वहाँ काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये इलाका है झारखंड के राजभवन के समक्ष हम खड़े हैं, लेकिन वाकई में ये जो सरकार है ये सरकार ईसाई मिशनरियों के इशारे पर चल रही है जैसा कि इन लोगों का कहना है। ईसाई मिशनरियों के सवाल पर हेमंत सोरेन कोई भी भरोसा नहीं जताना चाहते हैं, कोई भी उन पर आरोप जांच कराना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि संजीव प्रधान जैसे लोगों का की निर्मम हत्या मॉब लिंचिंग के द्वारा करके ये एक घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन जांच के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, जबकि राज्य में मॉब लिंचिंग कानून व्याप्त है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल केवल ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम इलाकों में काम करने वाले लोग, मुस्लिम वोटरों के लिए काम करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बड़ा सवाल है कि क्या झारखंड में हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं है, क्या कोई स्थान नहीं है? मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार। उस्ताद आफत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? हुई।
अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।